2014 तक सत्ता में रही कांग्रेस के कार्यकाल में गैस सिलेंडर प्रति 400 रुपए मिल रहा था, लेकिन 54 साल के शासनकाल में कांग्रेस ने कुछ नहीं करने का ढोल पीटते हुए सत्ता परिवर्तन हुआ। मौजूदा हालात में गैस के दाम 1200 रुपए तक पहुंच गए हैं और गैस के दाम गरीबों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। इसे देखते हुए राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना शुरू किया। इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री द्वारा महाराष्ट्र में गैस के दाम तुरंत कम करने चाहिए, देसाईगंज तहसील महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा फव्वारा चौक पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। गढ़चिरौली जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नंदू नरोटे और पूर्व यूथ कांग्रेस शहर अध्यक्ष पिंकू बावने के मार्गदर्शन में देसाईगंज तहसील महिला कांग्रेस की पुष्पा कोहपारे ने आंदोलन का नेतृत्व किया। इस दौरान बेबी पठान, सफीका शेख, विमल मेश्राम, कांता भोयर, कमला डोनारकर, पूजा कोल्हे, कमला मेश्राम सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। वर्तमान में केंद्र और राज्य में बीजेपी सत्ता में है। केंद्र सरकार ने धुआं और चूल्हा मुक्त गांव के नारों के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर का वितरण किया है। मौजूदा स्थिति में मुफ्त में बांटे जाने वाले गैस सिलेंडर धूल खा रहे हैं, क्योंकि गैस की कीमत गरीबों की पहुंच से बाहर है। इसलिए कांग्रेस की ओर से सिलेंडर के दाम करने की मांग को लेकर आंदोलन किया गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।